अफजलगढ़ में बीते कभी भी एक सप्ताह से ग्राम आसफाबाद चमन अंधेरे में डूबा हुआ है। भीषण गर्मी और बिजली आपूर्ति ठप होने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी के चलते कुमार कार्तिक और मुकुल कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों ने जसपुर मार्ग स्थित बिजली घर परिसर में एकत्र होकर बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी से बच्चों का बुरा हाल है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो रही है। ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसके तहत ही ग्रामीणों ने बिजली से संबंधित अन्य समस्याओं को लेकर एसडीओ को एक मांग पत्र सौंपा और इस मांग पत्र में 100 से स्थान पर 250 केवी क्षमता का ट्रांसफॉर्मर लगवाकर समस्या के समाधान की मांग की। अफजलगढ़ से विवेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जनता पूरी आई है बिजली की समस्या के लिए आई है। पिछले एक साल से हमारे गाँव में बिजली की समस्या ट्रांसफार्मर की, उस पे लोड तो है 100 केवी का, कनेक्शन है 350 से ऊपर। इसमें पिछले साल भी एक सप्ताह में 4 ट्रांसफार्मर फूके थे जो बदले गए थे, आश्वासन दिया था बढ़ाएंगे। इस बार भी क्या हुआ, ट्रांसफार्मर फिर फूकने लगे गर्मी में, आश्वासन फिर दिया बढ़ाएंगे, कोई सुनने को राजी नहीं। बच्ची की मृत्यु हो गई 4-5 दिन पहले गर्मी से गाँव में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आए थे तो इनका जय साहब का कहना था कि भाई ये तो गाँव वालों का काम है, धरना लगाएंगे चले जाएंगे, इनका क्या है। परसों वहाँ भिक्का वाला पकड़ा था, इन्हें भिक्का वाले भी ऐसी 3 दिन से ना कोई लाइन मैन जा रहा ना कोई जा रहा गांव में। एक ट्रांसफार्मर कल रखाया था वही 100 केवी का, वो फिर पटक गया, तो उसका क्या निवारण होगा? इस समस्या को लेकर पूरा गांव आया हुआ है मगर निवारण कुछ है ही नहीं। सबकी सांत्वना मिल रही है, बस ये है, बस तो इसे पूरी कराओ हमारी मांग।